हेलो गाइस तो आज डिस्कस करेंगे थर्टीअ दिसंबर का न्यूज़पेपर बहुत ही छोटा सा न्यूज़पेपर है तो फटाफट फड़ से कर लेंगे ठीक है सेंटर एंड असम सेंटर असम साइन पीस पैक्ट विद यू एल एफ ए फैक्शन द यूनियन होम मिनिस्ट्री एंड असम गवर्नमेंट साइन द मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट विद प्रोटॉक्स फैक्शन ऑफ द यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ एसॉम ठीक है तो ये बिल्कुल ऐसा का ऐसा हम लिखेंगे किसने साइन किया यूनियन होम मिनिस्ट्री मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करती हुई यूनियन होम मिनिस्ट्री एंड असाम गवर्नमेंट कॉमा आएगा वैसे गवर्नमेंट साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद प्रोटॉक्स फैक्शन, ये लिखने की जरूरत नहीं है प्रोटॉक्स फैक्शन विद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ एसम दैट इज है, इन्होंने जो है दे हैव साइंड एन अग्रीमेंट <coughs> ठीक है तो यहाँ पर आगे पढ़ेंगे होम मिनिस्ट्री अमित शाह द ट्राईपैट सेटलमेंट इज सिग्निफिकेंट फॉर असाम पीस एंड द गवर्नमेंट हैज अचीव सक्सेस इन एलिमिनेटिंग ऑल वायलेंट वायलेंट ग्रुप्स इन द स्टेट ठीक है ना एलिमिनेटिंग वायलेंट मतलब यही वायलेंस क्रिएट कर रहे थे वायलेंट ग्रुप्स इन स्टेट ठीक है इन स्टेट ऑफ असाम यहाँ पे इट इज अ गोल्डन डे फॉराम फ्यूचर होता रहता है अगेंस्ट द गवर्नमेंट लड़ते रहते हैं तो इनके साथ अग्रीमेंट साइन हो गया अब दे वे क्या करेंगे दे विल सेरेंडर ये गिव अप कर देंगे सरेंडर आर्मस एंड एम्यूनेशन सरेंडर आर्म्स एंड एम्यूनेशन 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 एंड यहां पर क्या करेंगे एंड कैम्प भी जहां पर ये कैम्प है ठीक है ना पीसफुल डेमोक्रेटिक प्रोसेस फॉलो करेंगे ज्वाइन द मेन स्ट्रीम सिंस सेवनटीन नाइनटी सेवेंटी नाइन नाइन ऑल दो हुआ किल्ड ओवर द कंट्री सिटीजन्स तो ये वहां पर चल रहा है अब यहां पर होम मिनिस्ट्री जो है होम मिनिस्ट्री ये रिखेंगे होम मिनिस्ट्री वुड टाइम बाउंड वुड टाइम बाउंड प्रोग्राम वुड मेक अ टाइम बाउंड प्रोग्राम टू फुलफिल द डिमांड ऑफ यूएफ तो यहां पर क्या हुआ यूएलएफए के साथ सबसे पहले यूएलएफए के साथ अग्रीमेंट हुआ है तो यूएलएफए की हमें फुल फॉर्म पता होना चाहिए दैट इज यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ एसॉम ठीक है आसाम गवर्नमेंट और यूनियन होम मिनिस्ट्री के साथ अग्रीमेंट साइन हुआ है जिसके अंदर ये सरेंडर करेंगे आर्म्स एमिनेशन और कैंप्स दे वर इन्वॉल्व इन वायलेंट ग्रुप्स वायलेंस क्रिएट कर रहे थे वहां पे और होम मिनिस्ट्री जो है इनका प्लान करेगी जो भी इन्होंने अग्री किया है वो ये करेंगे उसके बाद बात करेंगे कतर हमें पता है कि हमारे एट जो यू नो you know, एट आ, आ, नेवी के रिटायर्ड पर्सनल जो थे उनको डेथ सेंटेंस दे दी थी अब वो आ, जो डेथ सेंटेंस है वो सेटासाइड कर दिया तो पढ़ते हैं इसको द डिसीजन ऑफ द कतरी कोर्ट द डिसीजन ऑफ द कतरी कोर्ट ऑफ अपील टू रिड्यूस द कैपिटल पनिशमेंट हैंडल डाउन इन अक्टूबर टू एट फॉर्मर इंडियन नेवल पर्सनल इज अ मेजर रिप्रीव यहाँ से हम लिख देंगे क्या हुआ है डिसीजन ऑफ कतरी कोर्ट 3 court of appeals court of appeals to reduce capital punishment with death sentence so, to reduce death sentence handed to eight former indian naval person ठीक है ना तो ये कतर के अंदर इनको दिया गया था ये क्या है फॉर्मर मतलब हुआ करते थे नेवी के पर्सनल ये काम करते थे कंपनी के लिए और कहा गया स्पाइनेज कर रहे हैं सीक्रेट जो चीज़ें हैं कतर की वो इसराइल को बता रहे हैं ये एलिगेशन इनके अगेंस्ट लगी हैं तो अभी ये और भी अपील करेंगे कि ये, इनो, ये इनोसेंट है अभी इनोसेंस प्रूव नहीं हुई है बट हाँ इनको डेथ सेंटेंस नहीं मिलेगी ठीक है उसके बाद यहाँ पर ट्वेंटी फिफ्टीन बायोलेट्रल अग्रीमेंट ऑन ट्रांसफर ऑफ सेंटेंस्ड पर्संस तो यह क्या अग्रीमेंट है यह ट्वेंटी फिफ्टीन का अग्रीमेंट है ठीक है अग्रीमेंट किस चीज़ पे ट्रांसफर ऑफ सेंटेंस्ड पर्सन पे इसके अंदर क्या है कि अगर कतर के अंदर किसी इंडियन को सजा होती है तो हम उस इंडियन को इंडिया में ले जा के जेल में रख सकते हैं सिमिलरली अगर किसी इंड, किसी कतरी को इंडिया में सजा होती है तो कतर वाले उसको इंडिया से ले जाकर वहां के जेल में रख सकते हैं तो ये जो हमारा अग्रीमेंट है इनके साथ ट्वेंटी में हुआ है ठीक है ना तो ये हमें पता है तो ये है गवर्नमेंट मस्ट भी सीन पर्सनिंग डिप्लोमा पॉलिटिकल एफर्ट्स ठीक है ये मैंने आपको समझा दिया है इंडियन नेवी दिस इज इंपॉर्टेंट इंडियन नेवी अनवेल्स न्यू एपेलेट्स फॉर एडमायरल्स एपेलेट्स क्या होते हैं और डेकोरेशन ऑन द शोल्डर ऑफ अ कोट और जैकेट स्पेशली सेक्टर एक्सप्रेजमैन पार्ट ऑफ मिलिट्री यूनिफॉर्म तो ये हम नोट कर लेंगे चलिए आइए लिखते हैं इंडियन नेवी इंडियन नेवी अनवेल्स न्यू appellate for admirals अब appellates क्या होते हैं इसका meaning लिखेंगे decoration और decoration on the shoulder of a coat jacket etc ठीक है फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस अनाउंसमेंट ड्यूरिंग द नेवी डे सेलिब्रेशन इन सिंधुगढ़ ऑन नवंबर दिसंबर फोर्थ अब हमें पता चलता है कि नंबर वन नेवी डे कब है नेवी डे फोर्थ दिसंबर को था ठीक है ना जिस जिस दिन पे क्या हुआ अनवेल किया गया ये एपेलोट्स ठीक है तो यहाँ पे क्या है द नेवी अनवेल द न्यू डिजाइन ऑफ एपिलर्ट्स फॉर एमैर विद द ऑक्टिगन इन द न्यू डिजाइन ड्रॉन फ्रॉम द नेवी इन साइन एंड इंस्पायर्ड फ्रॉम राज मुद्रा ऑफ छत्रपति शिवाजी इसकी हमें डिटेल्स लिखनी पड़ेंगी कि जो एपिलर्ट्स है वो क्या है ठीक है ना विद ऑक्टिगन इन द ऑक्टिगन इन न्यू डिजाइन जो ऑक्टेगन ए न्यू डिजाइन है वो कहां से ड्रॉ किया गया है ड्रॉन फ्रॉम ड्रॉन फ्रॉम नेवल डिजाइन एंड इंस्पायर्ड बाय राजमुद्रा ऑफ छत्रपति ऑफ छत्रपति शिवाजी ठीक है ना ऑक्टेगन का है ऑक्टेगन शेप है ठीक है ना तो और ये छत्रपति शिवाजी से की राजमुद्रा से इंस्पायर्ड है द नेवी सेट द न्यू डिजाइन इज ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ आर रिच मैरीटाइम हेरिटेज एंड रिट्रेट द रिजॉल्व टू डू अवे विद गुलामी की मानसिकता तो यहां पे ये क्यों लेकर आए बाय दे हैव कम अप विद दिस वो कह रहे हैं कि नेवी सेज न्यू डिजाइन दो चीजें बोल रहे हैं कि जो नया डिजाइन है वो क्या है ट्रू रिफ्लेक्शन इट इज ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ अवर रिच मेरी टाइाइम हैरिटेज ठीक है ना ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि दूसरा पॉइंट है इट रीट्रेट्स द रिजॉल्व टू डू अवे विद गुलामी की मानसिकता गुलामी की मानसिकता मतलब अभी तक हम जो चीज़ें मोस्टली फॉलो कर रहे हैं वो हम कहाँ से लेकर आए हैं जो अंग्रेज छोड़ गए थे जो ब्रिटिशर्स छोड़ गए थे द नेवी इज ऑल सेट टू री नेम्स ऑम रैंक्स ऑफ रैंक्स नाउ इन ब्रिटिश नॉमिकलेचर टू रिफ्लेक्ट एन इंडियन कनेक्शन यहाँ पे एक और चेंज जो होने वाला है इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा था कि क्या चेंज करने वाले रैंक्स के नाम भी चेंज रहेंगे तो ये फोर्थ पॉइंट लिख सकते हैं हम नेवी टू चेंज नेम्स ऑफ सम रैंक्स उ इन ब्रिटिश डमिनक्लेचर टू रिफ्लेक्ट एंड इंडियन कनेक्शन ठीक है ना तो यहां पर इंडियन कनेक्शन दिखाना है ब्रिटिशर्स का जो वो निशानी छोड़ के गया वो खत्म करनी है अडॉप्शन ऑफ द न्यू डिजाइन अफर्म्स आर कमिटमेंट टू टू पिलर्स ऑफ पंच परान विरासत पर गर्व एंड गुलामी की मानसिकता ठीक है ना तो हमारे जो दो टू कमिटमेंट पिलर्स न्यू डिजाइन रीअर्म्स कमिटमेंट टू टू पिलर्स और वो दो पिलर्स कौन कौन से हैं एक पिलर है हमारा वही जो हमने पहले पढ़ा गुलामी की मानसिकता ठीक है ना गुलामी की मानसिकता वो सेम है और दूसरा क्या है विरासत पर एक मिनट वो लिखना है हमको दूसरा क्या है पंच प्राण विरासत पर गर्व कि हमें अपनी विरासत पर गर्व है ठीक है उसके बाद द न्यू द न्यू हैव द गोल्डन नेवी बटन टॉप फॉलोड बाय एन ऑक्टोगन एंड इंडियन स्वॉर्ड एंड अ टेलीस्कोप क्रॉस्ड फॉलोड बाय अ स्टार इंडिकेटिंग द रैंक्स अब यहाँ पर यह हमें पूरा लिखना पड़ेगा कि क्या है जो न्यू एपोलेट्स हैं have golden navy button top followed by an octagon an indian quad and a telescope crossed followed by stars इंडिकेटिंग द रैंक हमें ये पता होना चाहिए कि क्या क्या है येस yes, हमको ये रट्टा मारना पड़ेगा yeah, shape, शिवाजी से इंस्पायर्ड है इन रिमार्क्स नेत्रपति वीर शिवाजी फॉरवर्ड लिविंग बिहाइंड द स्लेव मेंटेलिटी आई एम ग्लैड नाउ ग्लिम्स ऑफ लेगेसी ऑफ छत्रपति वीर शिवाजी महाराज इज ऑल्सो गोइंग टू बी सीन इन द एपिलट वॉर्न बाय आर नेवल ऑफिस न्यू एपिलेट विल ऑल्सो नाउ भी सिमिलर टू द इंसिग्निया ऑफ नेवी ठीक है ना इंसिग्निया जो नेवी का है उसका सेम होगा ठीक है ना तो यहाँ पे लिख सकते हैं न्यू एप्पल ऑर्च सिमिलर टू इंसिग्निया ऑफ नेवी ठीक है इन सितंबर 2022 ट्वेंटी टू ड्यूरिंग द कमीशन ऑफ द फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर मिस्टर विक्रांत आई एन एस विक्रांत मिस्टर मोदी हैड अनवेल्ड अ न्यू नेवल इन साइन तो ट्वेंटी ट्वेंटी टू के अंदर In twenty twenty two, while commissioning during commissioning of First Indigenous Aircraft Carrier, INS Vikrant, Mr. Modi unveiled a न्यू नेवल साइन तो लास्ट ईयर ही न्यू नेवल इन आया है वो भी छत्रपति शिवाजी से ही इंस्पायर्ड है ठीक है ना तो दिस इज द थिंग दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आज की न्यूज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ही ये और यहाँ से हम क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है जी अब आगे चलेंगे इसरो सेट टू ऑल सेट टू लॉन्च एक्सपो सेट टेन अदर पेलोर्ड ऑन जान यहाँ पे ये न्यू ईयर ऐसे सेलिब्रेट कर रहे हैं इसरो टू लॉन्च एक्सपो सैट यहां पे अब एक्सपो सेट की फुल फॉर्म क्या है पी एस एल वी सी फिफ्टी एट एक्स रेलर पोलरीमीटर सैटेलाइट मिशन ठीक है ना ये जो मिशन है ये क्या है प्योरली साइंटिफिक सैटेलाइट है ये ये क्वेश्चन बन सकता है इट इज अ प्योरली साइंटिफिक एक्सपो सैट इज द फर्स्ट डेडिकेटेड Scientific satellite from ISRO carry out research in space based polarization measurements of X ray. एमिशन फ्रॉम सिलेस्टियल सोर्सेज ठीक है ना तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये क्या है इट इज गोइंग टू कैरी टू पेलोर्ड्स क्या क्या कैरी करेगा पॉलिक्स कैरी करेगा ठीक है और एक्स एक्स एस्पेक्ट पॉलिक्स हैज बीन डिवेलप बाय रमन इन रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड एक्सपेक्ट इज बाय स्पेस एस्ट्रॉनॉमी ग्रुप ऑफ यू आर एस सी एंड बेंगलुरु अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वी न्यूड टू नो नीड टू नोट इट डाउन थर्ट कोई पॉइंट का बनेगा कैरीज टू पेलोड हमें यहाँ से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है वी नीड टू रिमेंबर दैट इट इज द फर्स्ट डेडिकेटेड साइंटिफिक सैटेलाइट कौन सी एक्सपो सैट ठीक है एक्सपो सैट इज द फर्स्ट डेडिकेटेड साइंटिफिक सैटेलाइट जो इसरो लॉन्च कर रहा है ठीक है जहाँ पर रिसर्च स्पेस बेस्ड पोलराइजेशन मेजरमेंट्स ऑफ एक्सरे एमिशन फ्रॉम सेलेस्टियल सोर्सेज ये करेंगे ठीक है ये पहली बार हो रहा है अब यहाँ पे दो पेलोड्स दो चीज़ें ये कैरी करेगा एक तो पॉलिक्स है ठीक है सबसे पहले हमसे ये क्या पूछ सकते हैं पॉलिक्स की फुल फॉर्म देखते पोल्री मीटर पोलड्री मीटर इंस्ट्रूमेंट पोलड्री मीटर इंस्ट्रूमेंट इन एक्स रेस ठीक है ना और ये किसने डेवलप किया डेवलप्ड बाय डेवलप्ड बाय रमन रिसर्च रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट ठीक है जी एंड जो नेक्स्ट है और कौन सा है तो दूसरा है वो है एक्स एस एक्स एस स्पेक्ट तो सबसे पहले हम इसकी फुल फॉर्म लिखेंगे एक्स रे स्पेक्ट्रो कॉपी एंड टाइमिंग ये किसने डेवलप किया है स्पेस एस्ट्रोनॉमी ग्रुप ऑफ यू आर एस सी

चलिए इसके बाद नेक्स्ट चलेंगे इंडियन इंडियाज न्यू हाई कमिश्न टू श्रीलंका संतोष जहां इंडियाज न्यू हाई कमिश्नर टू श्रीलंका कौन है संतोष जहां इंपॉर्टेंट ठीक है उसके बाद यहाँ पर वेन, वेनेजुला हमें पता है ग्वाना और वेनेजुला के बीच में जो है प्रॉब्लम्स चल रही हैं ऑयल रिच है वेनेजुला कुछ एरिया को लेकर दिक्कत चल रही है ब्रिटेन कंडेम्ड द अनजस्टिफाइड एक्शन ऑफ वेनेजुला आफ्टर काराकास ऑर्डर ट्रूप्स टू पार्टिसिपेट इन मिलिट्री जेल तो ये वेनेंजुला और गुआना का इशू है चाइना चाइना नेम्ड चाइना नेम्ड फॉर्मर नेवी कमांडर ंग जुन एज द न्यू डिफेंस मिनिस्टर द आएगा एज द न्यू डिफेंस द न्यू डिफेंस मिनिस्टर ठीक है जी किसको रिमूवड क्या आप मुझे बताओगे किसको रिमूव किया ठीक है जेवियर मिली राइट्स टू ब्रिक्स लीड लीडर्स रिजेक्ट्स इन्वाइट फॉर अर्जेंटीना टू जॉइन द ग्रुपिंग और दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है अर्जेंटीना जो था वो ब्रिक्स का पार्ट अब नहीं बनेगा जो वहां पे नया प्रेसिडेंट आया उन्होंने लेटर सेंड करिए तो ये लिखेंगे अर्जेंटीना प्रेसिडेंट अर्जेंटीना प्रेसिडेंट जेवियर मिली सेंट लेटर टू ब्रिक्स लीडर टू रिजेक्ट इन्विटेशन टू ज्वाइन द ग्रुप तो यहाँ पे अर्जेंटीना वॉज अबाउट टू ज्वाइन द ग्रुप बट अब नहीं करेगा क्योंकि अर्जेंटीना में नया प्रेजिडेंट आ गया एंड वो इलेक्शन ही इसी उस पर जीते थे कि हम ब्रिक्स ज्वाइन नहीं करेंगे ब्रिक्स के अंदर कौन कौन है बी से ब्राज़ील आर से रशिया ऐसे इंडिया सी से चाइना और ऐसे साउथ अफ्रीका द ब्लॉक मेड अप ऑफ ब्राजील साउथ अफ्रीका ये सब हमने पता है हमें अगर आपको नहीं पता तो ये फर्स्ट पॉइंट जाएगा कि कौन कौन से इसमें कंट्रीज हैं ठीक है और नए कौन से ऐड होने थे ठीक है ना मेंबरशिप ऑफ मेंबरशिप ऑफ अर्जेंटीना मेंबरशिप ऑफ अर्जेंटीना यूटोपिया ईरान सऊदी अरेबिया Egypt and United Arab Emirates and United Arab Emirates due to take effect from 1st Jan 2024 तो so, यहां से अब अर्जेंटीना जो है वो माइनस हो गया है ना ये सारी कंट्रीज जो हैं ये न्यू मेंबर्स बनी है New members of BRICS. The letter signed by Mr. Mili uh, uh, and published by several media houses said Argentina's membership was not considered appropriate at this time.

In political campaign, told that our geopolitical alignment, geopolitical alignment is with United States and Israel. ठीक है और ब्रिक्स के अंदर कौन आ जाता है ब्रिक्स के अंदर आ जाता है चाइना ठीक है और चाइना किसके साथ नहीं है चाइना यूएसए और इजराइल के साथ नहीं वो होता है तो इसलिए शायद इन्होंने दे रिफ्यूज टू ज्वाइन द ग्रुप आप लॉग डॉट इन पर जा सकते हैं वहाँ पर आपको करंट अफेयर्स के लेक्चर्स मिल जाएंगे मई से लेकर सेप्टेंबर तक अक्टूबर नवंबर दिसंबर बहुत जल्द ऐड हो जाएंगे ठीक है एंड यस फ्रॉम 2024 तो आपको जनवरी से ही अवेलेबल होने लग जाएंगे हमारे पास मॉक टेस्ट अवेलेबल है मॉक टेस्ट जो है वो सी यू टी पी जी के अवेलेबल है हमारे पास मॉक टेस्ट अवेलेबल है एम एच सी टी थ्री ईयर्स एम एच सी टी फाइव ईयर्स एंड ऑल्सो हमारे पास मॉक टेस्ट अवेलेबल है फॉर स्लैट ठीक है एंड ऑल्सो आप डेली के नोट्स चाहिए तो वो भी अवेलेबल है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है जो हमारे लेक्चर्स हैं करंट अफेयर्स के वो बहुत हेल्पफुल है बहुत ही आपका टाइम सेव कर देते हैं बिकॉज यहाँ पे आपको क्लासेस मिल जाते हैं जहाँ पे मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर देती हूँ डी जी नोट्स मिल जाते हैं तो आपके नोट्स भी बन जाते हैं एंड आपको सिर्फ और सिर्फ सेवन टू एट आवर्स के अंदर सारा का सारा फुल कॉन्टेंट आप प्रिपेयर कर मतलब फुल कॉन्टेंट देख सकते हो फॉर वन मंथ ठीक है ये आपको रुपीज थ्री हंड्रेड में मिल जाते हैं वैलिडिटी अच्छी खासी आपको मिल जाती है टू तो डू विजिट लॉगिरी डॉट इन बाय बाय टेक केयर थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन बाय